नमस्कार स्वागत है आप सभी का पीएमसी हिंदी के खास कार्यक्रम डॉक्टर से पूछो में और मैं हूं आपके साथ अंशिका दर्शकों इस कार्यक्रम में हम जानते हैं आपके द्वारा भेजे गए सवालों के जवाब जो भी आपको समस्याएं रेगुलर लाइफ में होती हैं जो आपको बीमारियां होती हैं उन सभी सवालों के जवाब डॉक्टर से हम पूछते हैं इस कार्यक्रम में तो ज्यादा समय ना गवाते हुए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की उसके लिए सबसे पहले स्वागत करेंगे हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद और आपके सभी सवालों का जवाब देने वाले एक्चुरिस्ट एनर्जी मेडिसिन एक्सपर्ट एम डॉक्टर एस रंजन जी का सर आपका बहुत बहुत स्वागत है पी एम हिंदी चैनल पर नमस्ते धन्यवाद सर हमारे जो व्यूअर्स हैं पूरे सप्ताह इंतजार करते हैं शुक्रवार का क्योंकि आज का ही वो दिन है जहां आप उनके द्वारा भेजे गए सवालों के जवाब देते हैं लेकिन कहीं ना कहीं हमारे पास एक समस्या ये आ जाती है कि जब व्यूअर्स हमें सवाल भेजते हैं और इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं होती है तो वो बड़ी समस्या हमारे पास आ जाती है क्योंकि चाहते हुए भी डॉक्टर साहब आपके सवालों के जवाब नहीं दे पाते हैं क्योंकि इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं होती है तो आप सभी से एक गुजारिश है कि कि जब भी आप अपने सवाल भेजें तो उसमें आपकी बीमारी का नाम के साथ साथ आपको जो समस्या हो रही होती है वो भी जरूर मेंशन करें इसके साथ ही डॉक्टर साहब और क्या इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होती है जरा वो भी हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए देखिए हम यहाँ पर बीमारियों के इलाज ऊर्जा से और मन से करते हैं तो मेडिकल में जो कंसेप्ट है जो मेन स्ट्रीम में, में बीमारी का नाम क्या है वो नाम से ज्यादा मरीज को क्या समस्या हो रही है उससे फर्क पड़ता है तो हमें वो बात आप लिख कर भेजें बीमारी का नाम आप लिख देते हैं ठीक है लेकिन आपको हो क्या रहा है अब जैसे कोई एक बीमारी है पाराथायरॉइड की तो अब पाराथायरॉयड हाइपो भी हो सकता है हाइपर भी हो सकता है आपने सिर्फ अपनी समस्या के हिसाब से आपने अपनी बीमारी का नाम लिखकर भेज दिया लेकिन हमें पता नहीं चल पाता ये हाइपर वाला है या हाइपो वाला है तो आपको अपनी पूरी बात लिखनी है और यहाँ पर हम कोई दवाई रिकमेंड नहीं करते दवाई पर बात नहीं करते तो आप दवा ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं वो बताने की ज़रूरत नहीं है हमारी चिकित्सा पद्धति जो है वो बिना दवा वाली है तो ये किस कोई भी दवा आप ले रहे हैं उससे इंडिपेंडेंट है तो दवा का जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है बस अपनी समस्या विस्तार में लिखें जितना विस्तार में आप एक बार में लिख सकते हैं उतना ज़रूर लिख भेजें बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब तो दर्शकों आपसे अब उम्मीद है कि जब भी, भी आप अपना सवाल भेजेंगे उसमें पूरी जानकारी लिखकर भेजेंगे जिससे कि आपकी बीमारी का इलाज और भी बेहतर ढंग से और जल्द से जल्द हो सके तो इसी श्रृंखला में आप शुरू करते हैं सर आज का कार्यक्रम तो आज का पहला सवाल जो है जैसे कि अभी आपने बोला पैराथैरॉइड तो इसी पर आज का पहला सवाल है हमारे व्यूअर हैं प्राची जी और जयपुर से हैं ये इनको 2015 में डायग्नोस हुआ था पैराथायरॉयड जिसका इन्होंने ऑपरेट करवा लिया और उसको निकलवा दिया उसके बाद से इनको फिर से ये वापस से हो गया 2017 में तो ये इसका क्योर जानना चाहती हैं और इसके साथ ही इन्होंने बताया है कि लगातार ये एक घंटा मेडिटेट करती हैं और पी एम हिंदी पर ऑडियो बुक्स भी सुनती हैं तो इनका हम समझ सकते हैं कि हाँ इनका रुझान है कि मेडिसिन के अलावा भी इस चीज़ को ठीक करना चाहते हैं परेशानी को ठीक करना चाहते हैं आपसे जानना चाहूँगी

ये ग्लैंड बहुत छोटे होते हैं इतने छोटे कि इनका महत्व तो होता है ये पहले नहीं पता था लेकिन जब कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म में कैल्शियम के लेवल में ब्लड में और साथ ही साथ बोन में और कैल्शियम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है लेकिन कैल्शियम के साथ साथ मैग्नीशियम और फॉस्फोरस इनके बैलेंस रखने के लिए इनके मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने के लिए पैराथायरॉयड हार्मोन का ये एक हार्मोनल ग्लैंड है इसका रोल होता है ये कम भी हो सकता है ये ज़्यादा भी हो सकता है कम हो जाता है तो ब्लड में कैल्शियम का लेवल डाउन होता है अगर अधिक हो जाता है तो ये फिर बोन से कैल्शियम को लेकर आता है तो, तो हमारी आज के जो सवाल जिनको तकलीफ बता रही हैं तो उन्हें ऑपरेशन कराया यानि कि ये साइड से बड़ा हो गया होगा तभी ऑपरेशन कराया जो भी सर्जिकल सर्जरी में हम जाते हैं दोस्तों हमेशा याद रखने रखना है कि बीमारी का कारण सर्जरी से बीमारी पूरी तरह कभी ठीक नहीं होती हम हमको अध्यात्म अनुसार से अपनी बनावट समझने की जरूरत है हमारे उपनिषदों में बताया गया है कि हमारा ये जो भौतिक शरीर है अनमय कोश उसके पीछे प्राणमय कोश है ऊर्जा मनोमय कोष है विज्ञानमय कोश है तो जब तक हम अपनी ऊर्जा पर मन पर चेतना पर काम करना नहीं सीखें बीमारी ठीक नहीं हो सकती तो सर्जरी कभी करानी पड़ती है किसी डिजीज में वैसे तो सर्जरी को हमेशा पोस्टपोन करना चाहिए नॉन सर्जिकल मेथड से आप उसको उसका हीलिंग करके देखें कि कैसे ये ठीक हो सभी सर्जिकल बीमारी जिसमें सर्जरी की बात कही जा रही है उसको बिना सर्जरी भी ठीक किया जा सकता है अगर आप ऐसा काम करते हैं तो ऊर्जा पर मन पर और चेतना पर ऊर्जा मन और चेतना पर काम अगर सर्जरी आपने करवा ली लेते हैं तो भी उसके बाद भी करना ही पड़ता है क्योंकि सर्जरी से सिर्फ फिजिकल चीज़ें बदलती हैं बहुत बार बीमारी दोबारा लौट के आती है अभी जो जिनका प्रश्न है उनके केस में भी दो साल के बाद फिर से समस्या प्रकट हो गई बहुत बार कितनी बार दो साल में नहीं होती है तो पांच साल में दस साल में समस्या फिर से प्रकट होती है जड़ तक जब तक हम काम नहीं करेंगे और जैसे पेड़ में जड़ दिखता नहीं है हमारे भीतर भी जो जड़ें हैं वो दिखती नहीं है जड़ें हैं ऊर्जा जड़ है मन और है चेतना ध्यान से हमारी चेतना पर काम होता है हमारा मन शांत होता है हमारी ऊर्जा बढ़ती है संतुलित होती है ऊर्जा मन और चेतना ये तीन आपको समझने की ज़रूरत है और अगर आप इस पर विशेष पढ़ना चाहते हैं तो आप तैत्री उपनिषद पढ़ सकते हैं जिसमें पांच कोषों के बारे में बताया गया है हम हमारे कल्चर के वैल्युबल ज्ञान से भटक गए हैं और यही कारण है कि हम एलोपैथी में इलाज ढूंढते हैं और होता नहीं है ये पांच कोष की बारे में हमें जानना चाहिए समझना चाहिए चिंतन करना चाहिए और काम करना चाहिए और मज़ेदार बात है कि ऊर्जा पर काम करने के लिए मन पर काम करने के लिए चेतना पर काम करने के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं आपको साधना करनी पड़ती है आपको समझना पड़ता है आपको अपने सोचने के तरीके पर और जीवन जीने के तरीके में बदलाव करना पड़ता है क्योंकि तो ये फिजिकल चीज़ें नहीं हैं फिजिकल चीज़ों में हम दवा खा सकते हैं जो नॉन फिज़िकल चीज़ें हैं उसके लिए तो साधना ही एकमात्र उपाय है तो हमें समझना है अगर हम ऊर्जा पर काम कर लेते हैं मन पर काम कर लेते हैं तो हर बीमारी का इलाज है हम क्योर की तरह ना सोचें हम ये देखें कि क्या जीवन की क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाई जा सकती है ये क्योर एक मेडिकल टर्म हो जाता है अब हम यहाँ पर मेडिकल चीज़ों को स्पिरिचुअल तरीके से बात कर रहे हैं तो क्योर वर्ड कोई में ना जाते हुए हम इसको मैनेज कैसे करें या या हम क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे इम्प्रूव करें उस तरह से हमें सोचना है तो पैराथायरयड ग्लैंड थारॉयड के पीछे है तो अपने ध्यान के बाद में अगर आपके घर में कोई दूसरे व्यक्ति भी ध्यानी है दो व्यक्ति अगर साथ में ध्यान करते हैं तो आपको ध्यान के बाद लेट जाना है और परिवार के दूसरे सदस्य आपके थायरॉयड ग्लैंड पर पैराथॉर्यड ग्लैंड पर हाथ रखें और फिर पाँच मिनट मेडिटेशन करें जब परिवार का दूसरा सदस्य हाथ रखकर आपके थायरोयड ग्लैंड पर थारॉयड के पीछे में पाराथायर है अभी आपको तो आपने चित्र देखा तो थायरॉइड के ऊपर ही हम हाथ रख पाएंगे पाराथॉराइड तो मटर के दाने जितना छोटा है तो जब थाइरोयड ग्लैंड पर हमने हाथ रखा तो ये भाव करना है कि दिव्य ऊर्जा आ रही है मेरे हाथों से जब जब हमने ध्यान में बैठे तो हमारे सुसुमना नाड़ी में दिव्य ऊर्जा भर जाती है तो ये ऊर्जा था पाराथायर पार में जा रही है उसे हील कर रही है इस भाव के साथ कम से कम पाँच मिनट पहले ध्यान में हम आधे घंटे से एक घंटे बैठ चुके होंगे उसके बाद पाँच मिनट हाथ रख कर ध्यान परिवार के दूसरे सदस्य के द्वारा किया जाए तो ये ज़्यादा अच्छा होगा अगर कोई आपको कंपनी नहीं मिलती है तो आप अपना ही हाथ अपने ऊपर रखें लेकिन ये उतना इफेक्टिव नहीं होगा क्योंकि हम ठीक से यहाँ पर हाथ नहीं रख पाएंगे लेकिन जैसे जैसे आपको सहयोग मिले वैसा आप करें हमें इस पारथोर्ड ग्लैंड को हील करना है पारथोर्ड ग्लैंड में हमें दिव्य ऊर्जा बढ़ानी है अगर ऊर्जा बढ़ती है कहीं भी तो वहां पर हीलिंग शुरू हो जाती है तो पारथॉर्ड ग्लैंड में हमें एनर्जी को भेजना है डिवाइन एनर्जी को भेजना है डिवाइन एनर्जी हीलिंग करती है और जो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म यहाँ पर होता है किडनी के ऊपर एडिनल ग्लैंड होता है वहाँ से भी होता है तो पायरथायरॉइड का कनेक्शन किडनी और किडनी के ऊपर के एडिनल ग्लैंड से भी है तो अगर आपको किसी फैमिली मेम्बर का सपोर्ट मिल रहा है तो किडनी के ऊपर भी हाथ रख कर पेट में पेट के ऊपर हाथ रख कर ये भाव करना कि एडिनल ग्लैंड किडनी हेल्दी हो रही है और कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म मेरे शरीर में बेहतर है और एक्यूप्रेशर पॉइंट में हम यहाँ पर भी जाकर काम कर सकते हैं हमारे पैर में सिक्स एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है सिक्स किडनी की नाड़ी का छठा एक्यूप्रेशर पॉइंट है दोनों पैरों में एंकल के नीचे इस सिक्स एक्यूप्रेशर पॉइंट पर आपको काला रंग लगाना है ध्यान देंगे यहाँ पर रंग थेरेपी कलर थेरेपी ज़्यादा इफेक्टिव है किडनी सिक्स जब एक्टिव होगी तो ये कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म को बेहतर करेगा कि जो किडनी सिक्स पर हम ब्लैक कलर लगाएंगे वो लगभग हमें छः घंटे के लिए लगाना है दिन के समय कलर थेरेपी दिन के समय ही एक्टिव होती है जब हम के सिक्स को ब्लैक करेंगे तो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म हमारा ठीक होने लगेगा कैल्शियम का लेवल बोन में और साथ ही साथ ब्लड में नॉर्मल होने लगेगा और हमें यहाँ पर ध्यान देना है थायराइड पैराथायरॉयड जो है वो हमारे विशुद्धि चक्र कम्युनिकेशन एक्सप्रेशन के लिए होता है हमारा कम्युनिकेशन और एक्सप्रेशन हेल्दी होना चाहिए हम प्यार से बात करें और कभी भी अपनी बात को अपने भीतर ना दबाएं जो भी बात आपके भीतर कहने का भाव आए वो प्यार से मधुर आवाज़ में प्रॉपर वे में अपने आप को व्यक्त जरूर करें अगर हमारा एक्सप्रेशन कम्युनिकेशन हमारा बोलने का अंदाज अगर बेहतर होता है तो थायरॉयड और पैराथायराइड दोनों हमारे संतुलित होंगे तो ध्यान को आप अच्छे से बनाए रखें दिन में दो बार ध्यान में बैठा करें ध्यान सबसे बड़ा हीलिंग फोर्स है और ध्यान से सब कुछ हील होता है आप इस बात को छोड़ दें कि ये हील नहीं होगा ये हील होगा लेकिन आपको दवाओं से ज़्यादा ऊर्जा पर और मन पर काम करना पड़ेगा भारत ग्लैंड की हीलिंग परिवार के दूसरे सदस्यों के द्वारा और के सिक्स पॉइंट पर ब्लैक कलर करने से आपको हेल्प होना शुरू होगा सर क्या यहाँ पर हम डाइट का विशेष ध्यान रख सकते हैं क्योंकि जैसे कि आपने बताया जब ये पैराथायराइड जो ग्लैंड होती है ज़्यादा बढ़ जाती है तो कैल्शियम की कमी बॉडी में होने लगती है तो क्या वहाँ पर हमें डाइट पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है देखिए यहाँ पर ना डाइट के लिए जो ट्रेडिशनल टे, टे, मेडिकल अप्रोच में है वो कहते हैं कि आप कुछ भी खाओ वो पाथायरॉड हार्मोन अगर बैलेंस नहीं है तो वो कैल्शियम को शरीर में आने नहीं देता है शरीर में अब्जॉर्ब नहीं होता है तो हम केसिक्स पे अगर ब्लैक कलर कर रहे हैं जी। और उसके बाद अगर हम कैल्शियम के खाने को बढ़ाते हैं तो कैल्शियम हमारे शरीर में अब्जॉर्ब भी होगा तो कैल्शियम जिस जिसमें भोजन में अधिक होता है कैल्शियम सफ़ेद तिल में अधिक होता है मखाने में होता है तो उसको उसका सेवन किया जा सकता है धूप में बैठने से विटामिन डी बनता है तो यहाँ पर कैल्शियम और विटामिन डी का बहुत नज़दीकी रिश्ता है विटामिन डी को भी नॉर्मल रखना बहुत ज़रूरी है तो थोड़ी देर दस मिनट पंद्रह मिनट धूप का सेवन भी हर दिन करना चाहिए हर दिन ना कर सके, तो कम से कम सप्ताह में तीन दिन पाँच दिन करें और यहाँ पर थायराइड ग्लैंड के को हेल्दी रखने के लिए धनिए धनिया पत्ता या धनिया पाउडर वो अच्छा माना जाता है ग्लैंड के लिए तो ग्लैंड के लिए भी वो अच्छा है उसका सेवन किया जा सकता है बहुत बहुत धन्यवाद सर आपने सवाल का जवाब दिया आशा करती हूँ प्राची जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा इसके साथ ही आपको एक्यूप्रेशर पॉइंट पर काम करने की जरूरत है और ब्लैक कलर थेरेपी अपनाने की जरूरत है आशा करते हैं आपकी समस्या है, जल्द ही समाप्त होगी और जल्द ही आप पूर्ण तरह स्वस्थ हो जाएंगी इसी के साथ सर बढ़ते हैं अब अगले सवाल की और अगला सवाल है समीर जी का पुणे से है ये इनका कहना है कि इनका इनको ब्रेन ट्यूमर की प्रॉब्लम थी जो कि जिसका इन्होंने ऑपरेशन कराया उसके बाद इनको अभी भी चक्कर आते हैं और ये बेहोश भी हो जाते हैं तो ये आपसे मदद चाहते हैं कि किस तरह से इस समस्याओं को सॉल्व कर सकते देखिए ये सवाल जो है ये सवाल भी हमारे पास अधूरा अधूरा नहीं आया है अगर कभी चक्कर आते हैं तो चक्कर लेने का कारण क्या ब्लड प्रेशर है क्या हीमोग्लोबिन है वो जानकारी चाहिए आपको अपना ब्लड प्रेशर डेली नापना चाहिए और लिखना चाहिए अगर एक हफ्ते अगर हम ब्लड प्रेशर नाप रहे हैं और उसमें फ्लक्चुएशन हो रहा है तो पता चलेगा कि शायद ब्लड प्रेशर एक कारण हो सकता है चक्कर आने का और हीमोग्लोबिन लेवल भी आपको नॉर्मल होना चाहिए बारह साढ़े बारह से अधिक हीमोग्लोबिन होना ही चाहिए अगर कम है हीमोग्लोबिन तो वह भी चक्कर आने का एक कारण होता है कमजोरी का कारण होता है और ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ है तो देखिए हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि हमारा ऑपरेशन हुआ है लेकिन ये आ, हम नेचुरोपैथी स्पिरिचुअल थेरेपी में ये बात मानते हैं कि ट्यूमर का इलाज सिर्फ सर्जरी से कम्प्लीट नहीं होता है ट्यूमर आपके शरीर में आया क्यों इस कारण पे जब तक आप चिंतन नहीं करेंगे और उसका निदान नहीं करेंगे तब तक आप पूरी तरह से रोग मुक्त समस्याओं से मुक्त नहीं हो पाएंगे लुई हे की कि किताब यू कैन हील योर लाइफ पढ़ने की ज़रूरत है और चिंतन मन करने की ज़रूरत है क्या आपके भीतर गुस्सा आता है देखिए कैंसर का ट्यूमर का एक बड़ा कारण होता है गुस्सा गुस्से को दबाना फ्रस्ट्रेशन इरिटेशन और कंप्लेनिंग नेचर अपने जीवन में आप प्रेम से रहना सीखें गुस्सा करना कम करें लोगों को स्वीकार करना शुरू करें लोगों को प्रेम देना शुरू करें जो ट्यूमर का कारण है सर्जरी एक कारण है लेकिन दूसरा कारण तो ट्यूमर है ट्यूमर के लिए हमारा स्पेसिफिक एपिसोड भी है आप वो भी देख सकते हैं पूरे विस्तार से बातें बताई गई हैं कि हमें किस प्रकार से अपने सोचने के ढंग में बदलाव लाना है मिलेट्स का सेवन करना है फाइव मिलेट्स हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे हैं और ध्यान का अभ्यास ध्यान में आपको दो बार बैठना चाहिए अगर आपको ध्यान में बैठने में दिक्कत होती है या कभी आपका ध्यान लगता है नहीं लगता है ऐसे केस में आप योग निद्रा का भी सहारा ले सकते हैं ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल है तो हम सभी उंगलियों के टिप्स को दबाते हैं अगर ब्लड प्रेशर कम रहने का चक्कर आते हैं तो एच टी नाइन पॉइंट हमारी छोटी उंगली के टिप्स पर होता है हम उसे दबाते हैं दो एक्प्रेशर पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ एस आपको इमेज दिखाया जा रहा है आप इसका फोटो खींच कर रख सकते हैं छोटी उंगली के टिप्स पर आपको एस है इसका दबाना है लेकिन अगर बी कम रहती है तब ये पॉइंट काम आएगा आपका बी कैसा रहता है हमें पता नहीं है अभी बीपी कम रहता है तो आपको ये पॉइंट दबाना चाहिए अगर बीपी नॉर्मल रहता है तो आपको सभी बीसों उंगलियां हाथ की दस उंगलियां और पैर की दस उंगलियां के टिप्स को दबाना है और साथ ही साथ केवन एक्यूप्रेशर पॉइंट चक्कर आने का कनेक्शन हमारे ब्रेन से होता है तो दोनों पैर में के वन एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाएंगे तो यह भी आपको हेल्प कर सकता है किडनी वन किडनी मेडियन का पहला पॉइंट दोनों पैर में इसको दबाएं क्योंकि अभी हमें आपकी बीपी के बारे में जानकारी नहीं है के वन एक्यूप्रेशर पॉइंट एच टी नाइन एक्यूप्रेशर पॉइंट रेगुलर दबाएंगे तो इससे आपको फ़ायदा हो सकता है लेकिन ओवरऑल हेल्थ का अपना ध्यान रखें और सकारात्मक सोच खुश रहना सीखें खुश रहा करें किसी से भी गुस्सा है आपके मन में तो उसको निकाल दें जो गुस्सा हम अपने भीतर दबा के रखते हैं ना वही सबसे बड़ा रोग का कारण है खासकर का ट्यूमर कैंसर जैसे रोगों में तो अगर आप प्रेम सरहा सीख लेंगे तो आपका रोग ठीक हो जाएगा बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका इस सवाल का जवाब देने के लिए आशा करते हैं समीर जी आपको आपके सवाल का में तो इसका नहीं कहा जाता है वहां कह जाता है एडियोपैथिक होता है एडियोपैथिक एक मेडिकल टर्म है जिसका मतलब है कि इसका कोई कारण है नहीं वैसे हम अध्यात्म मानते हैं कि बिना कारण तो कुछ नहीं है कहा गया है कि बिना उसकी मर्ज़ी के पत्ता भी नहीं खड़कता है ना तो उसकी मर्जी मतलब भगवान हमें कष्ट नहीं देना चाहता लेकिन हमारे कर्म हमारी सोच कुछ ऐसी हो जाती है कि हमारे शरीर में तकलीफ़ आती है तो हम, हमें अपने कर्मा पे काम करना है कर्मा पे काम करने के लिए हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए जितना हम दूसरों की हेल्प करते हैं दोस्तों ना उतने हमारे कर्म अच्छे होते हैं हमारा जीवन अध्यात्म की ऊंचाई पर यह बात समझी जाती है जीवन में हमें सर्विस करना चाहिए हमें दूसरों को हेल्प करना चाहिए हमारा जीवन सिर्फ हमारे अपने के लिए नहीं है लेकिन अगर हम सेल्फिश जीते हैं सिर्फ अपना और अपने परिवार का सोचते हैं तो ये अगर कर्मों का तकाजा पहले से हो तो जीवन में तकलीफ़ होती है तो थोड़ा हेल्प करना सीखें थोड़ा कर्मा को इम्प्रूव करें गुस्से को पाल के ना रखें गुस्से को पाल के रखना भी कर्मों के लेवल पर हमें परेशान करता है और मन के लेवल पर भी परेशान करता है कभी किसी की गलती है तो भी माफ़ कर दें माफी देने वाला हमेशा बड़ा होता है ना माफी गुस्से को अपने मन में दिमाग में पाल के ना रखें तो गुस्सा फ्रस्ट्रेशन इरिटेशन कोई पुरानी बात से चिड़चिड़ापन यह सब जब कई सालों तक जमा होता है ना तो यही ट्यूमर बनता है लेकिन मेडिकल में तो ऐसा नहीं सोचते मेडिकल में तो बस बोलते हैं ऑपरेशन करा लो और लेकिन उससे तो पूरी बीमारी पूरी तरह ठीक होती नहीं है हर ऑपरेशन में मैक्सिमम ऑपरेशन में कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन समय के साथ होता ही है तो आपको अपने मन पर ध्यान देना चाहिए खुश रहना चाहिए जीवन में दो बार ध्यान को अपनाना चाहिए दो बार ध्यान करना है एक बार ध्यान करना काफ़ी नहीं है क्योंकि जहाँ पे तकलीफ ज़्यादा होती है वहाँ पे तो बहुत ज़रूरी है ध्यान में बार बार बैठना और हम एक बार ध्यान में बैठते हैं तो हमारा ध्यान बहुत अच्छा होता है नहीं होता है पता नहीं दो बार ध्यान में बैठते हैं तो अगर ध्यान लगाने की हम तो तो लग टूमर्स जो होते हैं हम सबके मन में सवाल रहता है कि आखिरकार ये होते क्यों है? इसका भी बहुत खूबसूरती से आपने जवाब दिया इसी साथ सर बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की ओर अगला सवाल भेजा है विभा मल्होत्रा जी ने सर ये जो सवाल है इनका नौ साल का बेटा है

अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर अटेंशन डिफिसिट यानी कि अटेंशन नहीं रख पाते हैं और हाइपर एक्टिव मतलब जो से ज़्यादा एक्टिव है तो यहाँ पर बच्चों के लिए ये लेबल लग जाता है बहुत बार बड़े भी इसके स्वीकार शिकार होते हैं अटेंशन डिफिसिट आप कोई किताब पढ़ने को बैठिए देखिए आपका मन कितना भटकता है बड़ों का भी मन भटकता है लेकिन बड़ों को कोई स्कूल जाना नहीं कोई एग्ज़ाम देना नहीं तो लाइफ कटता जाता है हमें ये बात समझनी है कि बच्चे में कोई समस्या होती है तो बहुत बार ये बड़ों से घर में बड़ों से या पेरेंट्स से आती है तो पेरेंट्स को भी लाइफ में डिसिप्लिन सीखना है हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़े आप मोबाइल देखेंगे और सोचेंगे बच्चा पढ़े तो ऐसा नहीं होगा और और वो बच्चा अगर नहीं पढ़ता है तो हम बोल देते हैं कि हाइपर एक्टिव है वो और बच्चे में तो एक जीवन की ऊर्जा अभी जीव उसका जीवन का विकास हो रहा है तो वो तो एक्टिव होगा ही हमें चैनलाइज करना ऊर्जा को चैनलाइज करना नहीं आता जब भी एडीएचडी का ना ज़िक्र आता है वहाँ पे पेरेंट्स को भी स्पिरिचुअल पेरेंटिंग सीखने की ज़रूरत है थोड़ी सी बात मेरी अटपटी लग सकती है बच्चों में तकलीफ 50% परसेंट है 50% परसेंट बीमारी तो बड़ों में है आपको पेरेंटिंग स्पिरिचुअल पेरेंटिंग के कंसेप्ट को समझना है आपको भी अपने भीतर किताब पढ़ने की आदत डालनी है कोई एग्जाम आपको नहीं देना है लेकिन जिंदगी भी तो एक एक परीक्षा है जिंदगी में भी तो हमें सीखना है जब भी हमें कोई डिसीजन लेना होता है एक एग्जाम एक होता है हमारा डिसीजन कितना फ्रूटफुल है ये बाद में हमें समझ में आता है अगर हमारा काम बन गया अच्छा बना तो डिसीजन सही था अगर हम फेल हो गए तो डिसीजन सही नहीं था बच्चों के साथ आप भी पढ़ने को बैठिए जब भी बच्चों को पढ़ने की बात आती है ना आप भी वहाँ पे अगर पढ़ने बैठेंगे आप पाएंगे बच्चे का टेंसन ज़्यादा अच्छा होता है मैं आपको पॉइंट भी बताऊँगा लेकिन इस बात को समझिए कि माता पिता की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है माता पिता होना एक बहुत बड़ी बात है आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो एक जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी के एहसास को हम नहीं जानते बच्चों को हमेशा मत कोसें बच्चों पर लेबल ना लगाएं हम देखें कि हम अपने भीतर जब जो काम बच्चे को करना पड़ता है अगर मुझे करना पड़े तो क्या मेरे भीतर उतना धैर्य है हो सकता है हमारे भीतर भी धैर्य नहीं हो फिर तो हम भी अटेंशन डिफिसिट कहला जाएंगे हाइपर एक्टिव ऊर्जा है उस ऊर्जा को चैनलाइज करना है बच्चे को किसी स्पोर्ट्स में लगाना चाहिए हर बच्चे के लिए खेलना तो उसका एक अधिकार है और अगर खेलने का प्रॉपर नहीं मिल पाए तो फिर वो तो परेशान होगा ही प्रॉपर एक घंटे खेलना होना चाहिए फिर एक घंटा पढ़ना होना चाहिए और जब वो पढ़ता है आप भी साथ में बैठकर पढ़िए देखिए माता पिता के प्रेजेंस से ना उनके बैठने से भी बच्चे को एक मनोबल मिलता है उसको एक संतुष्टि मिलती है और वो ज़्यादा डिसिप्लिन होता है और आध्यात्मिक किताबें हम बहुत सारी पढ़ सकते हैं यहाँ पर आपको बताया जाता है लुई है को पढ़िए योगी कथात प्रमं सोवंद को पढ़िए ओशो को पढ़िए स्वामी राम को पढ़िए पत्रि जी की किताबें पढ़िए तो यहाँ एक्यूप्रेशर पॉइंट पर की मैं अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो अटेंशन डिफिसिट अटेंशन को बढ़ाने के लिए और हाइपर एक्टिविटी हाइपर एक्टिविटी को कम करने के लिए यहाँ पर ब्रेन का एक डेवलपमेंट अच्छा हो उसके लिए हम थर्ड आई मसाज कर सकते हैं थर्ड आई जहाँ पर बिंदी लगाई जाती है यहाँ पर बच्चा जब सोने वाला होता है उस समय या जब जगने वाला होता है उस समय ये दो समय सबसे अच्छा है वैसे कभी भी किया जा सकता है थर्ड आई को ऐसे मसाज करें अंगूठा जो है वो थर्ड आई पे रखें और जहाँ पे हेयर लाइन बाल जहाँ पे शुरू होता है वहाँ पर दूसरी उंगली दो उंगली ऐसे रख कर हम वर्टिकल मसाज करें अप एंड डाउन मसाज जब अप एंड डाउन मसाज देते हैं तो यहाँ पर जी वी मेडियन है जो वर्टिकली जा रही है लंबाई में तो हम लंबाई में हमें मसाज देना है इससे हमारा थर्ड आई जो है हमारे भी हमारे ब्रेन में जो पिट्यूटरी ग्लैंड है पिनल ग्लैंड है वो एक्टिव होगा और वो एक्टिव होगा तो ब्रेन अच्छा काम करेगा कंसंट्रेशन अच्छा लगेगा मेमोरी शार्प होगी आप अपना भी कर सकते हैं कोई भी व्यक्ति अगर अपने ब्रेन को अच्छा करना चाहता है तो आई मसाज कर सकता है सोने से पहले ध्यान से पहले ध्यान के बाद या सुबह जगने के बाद ये अच्छे समय है और हमारे पैर में और हाथ में दो यांग मेरेडियन के विंड पॉइंट में बताता हूँ टी डब्ल्यू थ्री और पैर में जी फोर्टी वन इस दो जगह पे काला रंग लगाना है आपको स्क्रीन पर ये जो फोटो दिखाया जा रहा है इसका फोटो खींच के आप रख ले ये दो एक्पेसर पॉइंट जी और हाथ में टी डब्ल्यू दोनों जगह पर आप काला रंग लगाएं काला डॉट छः घंटे के लिए दोनों हाथ दोनों लेफ्ट और राइट दोनों तरफ ये करना है चार जगह पर ये काले रंग लगेंगे तो ये जो काला रंग है ये हाइपर एक्टिविटी को हम यांग का एक्सेस मानते हैं एनर्जी मेडिसिन में तो ये जो ब्लैक कलर है ये यांग को कम करेगा विंड ची को कम करेगा तो थोड़ी सी स्थिरता आएगी तो इन सभी का प्रयोग करने से आपको फायदा होना शुरू हो जाएगा बहुत बहुत धन्यवाद सर आपने इस सवाल का जवाब दिया मुझे भी लगता है कि कहीं ना कहीं हम सभी को खुद की ओर भी ध्यान देने की जरूरत है जरूर। हम बच्चों को तो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इनके साथ ये प्रॉब्लम है कि लेकिन हमें खुद पर भी ध्यान देने की जरूरत है कहीं हमारे में तो नहीं और या हमारे वजह से तो नहीं बच्चे बच्चे अफेक्ट हो रहे हैं तो इन सभी पॉइंट्स पर ध्यान रखने की जरूरत है और काम करने की जरूरत है मुझे लगता है आशा है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा इसी के साथ अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर अगला सवाल है अलका मुन्द्रा जी का इनका कहना है कि ये एक्यूप्रेशर पॉइंट्स जानना चाहती हैं हर्निया के लिए इनके बेटे को ये प्रॉब्लम है और दो साल की उम्र है इनके बेटे की तो ये इसके लिए बेस्ट सजेशन आपसे जानना चाहती देखिए एक तो हर तरह के हर्निया के लिए जो जो बत, बातें बताने वाला हूँ ये हर तरह के हर्निया में काम आएगा और जो हर्निया का प्रॉब्लम होता है हर्निया यानी कि एबडोनल वॉल से कुछ चीजें बाहर आ रही हैं एबडोनल वॉल कहीं पर वीक है और अंदर का जो कंटेंट है वो बाहर निकल रहा है तो हर्निया के लिए हमारे पेट में बाई तरफ स्प्लीन ऑर्गर होता है उसका रोल है स्प्लीन के वीक होने से हर्निया बनता है चाहे किसी में भी कोई भी हर्निया हो यहाँ पर इनगर्नल हर्निया है अम्बलैकल हर्निया हो किसी भी तरह का हर्निया हो ये स्प्लीन का ही वीकनेस है और स्प्लीन को मजबूत करने के लिए हम ध्यान के बाद वहाँ पर स्प्लीन पर हाथ रख सकते हैं छोटा बच्चा है बच्चे को गोद में रखकर ध्यान में बैठें या तो पूरी देर आप आधे घंटे एक घंटे ध्यान में बैठें या ध्यान के बाद आप जाए और बच्चे के हाथ बच्चे की पीठ पर जहाँ पे स्पिन होता है वहाँ पर हाथ रखते हुए आप फिर से पाँच मिनट दस मिनट ध्यान में बैठ जाएं ऐसा उसके पेरेंट्स कर सकते हैं और परिवार में कोई भी बड़ा व्यक्ति ये ध्यान का ऐसा प्रयोग कर सकता है ध्यान में हमारी ऊर्जा बढ़ जाती है और जब हम स्प्लिन पर हाथ रखेंगे और साथ में हमारे भीतर भावना है कि इसका हड़निया ठीक हो इसका स्प्लिन ठीक हो देखिए एनर्जी के कनेक्शन हमें समझना है कि अगर स्प्लिन ठीक होगा यानी स्प्लिन मजबूत होगा तो हड्डियाँ भी ठीक होगा तो स्प्लिन को हमें ऊर्जा देनी है हाथ रखने मात्र से ऊर्जा बहनी शुरू हो जाएगी अलग अलग एनर्जी हीलिंग के मेथड्स में रेकी में प्राणी हीलिंग में थोड़ा विजुलाइसन का ही प्रयोग होता है लेकिन अगर विजुलाइसन हम नहीं भी करते हैं सिर्फ हाथ भी रखते हैं तो भी ऊर्जा जाएगी यहाँ तक कि बच्चे को बच्चा मेरी गोद में है ऐसी कल्पना करने से भी ऊर्जा जाएगी लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये बात पहले बता दूँ कि हम हीलिंग से ज़्यादा मेडिटेशन पर फोकस करें जब आप ध्यान में बैठ रहे हैं एक घंटे के लिए चालीस मिनट के लिए जब आपके पास ऊर्जा है तब तो ऊर्जा जाएगी ना अगर डायरेक्ट विजुलाइज़ेशन शुरू करते हैं जो कि बहुत जगह हीलिंग मेथड में सिखाया जाता है बहुत जगह पर तो डायरेक्ट विजुलाइज़ेशन करते हैं तो कभी इफेक्ट आता है कभी इफेक्ट नहीं आता है अगर मेडिटेशन करके फिर आपने एक घंटा मेडिटेशन कर लिया और उसके बाद आप पाँच मिनट के लिए विजुलाइज कर लें तो एनर्जी चलने लग जाएगी या तो फिजिकली हम रखें या बच्चा अगर वहाँ पे नहीं है कहीं और है तो हम विजुलाइज कर लें कि मेरे हाथ गोद में बच्चा है और उसके स्प्लीन पर आप हाथ रख कर ध्यान कर रहे हैं इसका स्प्लीन मजबूत हो रहा है आप स्प्लीन का स्ट्रक्चर भी आप गूगल पे एक बार देख सकते हैं उसके थ्री डी एनाटोमी पेट में बाई तरफ होता है हम स्प्लीन ऑर्गन पर डायरेक्ट काम करने के अलावा हम स्प्लीन ऑर्गन की नाड़ियों पर भी काम कर सकते हैं स्प्लीन की नाड़ी एक बड़ी नाड़ी है इक्कीस पॉइंट टोटल होते हैं इस इक्कीस पॉइंट में हम किसी भी एक पॉइंट पर काम करें तो चार नंबर का पॉइंट एस पी फोर एक बहुत अच्छा पॉइंट है हमारे पैर में सफ़ेद और सांवले हिस्से के जंक्शन पे होता है एस पी फोर एक्यूपेशन पॉइंट पर आपको मसाज करना है बाएं पैर में वैसे दोनों पैर में किया जा सकता है लेकिन बाया पैर ज़्यादा इफेक्टिव है ये जो फोटो आपको दिखाया जा रहा है इसके फोटो आप खींच के रख लें एस पी फोर इस एस बी फोर को आपको जेंटली मसाज करना है जो कि छोटा बच्चा है तो जेंटली मसाज करेंगे हल्के हाथों से दस बार आप मसाज करें ऐसा दिन में तीन बार करें और यहाँ पर आपको पीला रंग यानी कि हल्दी लगानी है पीला रंग लगाने से स्प्लीन का जो है वो मजबूत होता है दिन में लगभग छः घंटे के लिए आप ये रंग लगाएं किसी कारण से छः घंटे से पहले अगर किसी कारण से वो रंग हट जाता है तो आप दोबारा लगा सकते हैं हल्दी का लेप हल्दी को पानी में घोलिए और उस जगह पे गोल टीका लगा दें एस पी फोर एक्यूप्रेशर पॉइंट पे एस पी फोर के अलावा हम किसी स्प्लीन नाड़ी के दूसरे पॉइंट पे भी कर सकते हैं लेकिन फिलहाल एक पॉइंट काफ़ी है जिस पर आप काम करें जब आप समझ जाते हैं तो भविष्य में आप एक से अधिक एक्यूप्रेशर पॉइंट पे भी मसाज कर सकते हैं और कलर लगा सकते हैं और स्प्लीन जो है अब देखिए छोटा बच्चा है तो अभी जब तक माँ से जुड़ा हुआ है और पाँच साल तक सात साल तक तो माँ से बहुत ज़्यादा जुड़ाव रहता है तो माँ भी अगर अपने स्क्रीन पर काम करे तो भी अच्छा है छोटे बच्चे में जो बीमारी आती है छोटे बच्चे के कर्मा छोटी बच्चे की ऊर्जा अपनी माँ से और अपने पेरेंट्स से जुड़ी होती है तो अगर माँ भी अपने स्प्रीन पर काम करे अगर माँ भी ध्यान में बैठे और अपने स्प्रीन को मजबूत करे तो इससे बच्चे की स्प्रीन भी प्रभावित होगी एक स्वस्थ माँ से ही एक स्वस्थ बच्चा हो सकता है प्रेगनेंसी के दौरान ही हाँ एक माँ को या पहले से ही तैयारी शुरू कर देनी चाहिए अपने आप को स्वस्थ रखने की जितनी माँ स्वस्थ होगी ऊर्जा के तल पर उतना ही बच्चा स्वस्थ होगा चलिए अब जब पता चले तब आप करना शुरू कर दें अब तो शुरू करें माँ को भी ध्यान में बैठना चाहिए और अपने स्प्रीन को मजबूत करना चाहिए जितने माँ का स्प्रिन अच्छा हेल्दी होगा और हमारा स्प्लिन जो है हमारे सात चक्रों में से जो तीसरे नंबर का चक्र है नाभि के पास स्वाधिष्ठान चक्र उससे जुड़ा होता है तो अगर माँ का स्वाधिष्ठान चक्र अगर स्वस्थ हो माँ का अगर स्प्लिन ऑर्गन स्वस्थ हो तो ये बच्चे के हीलिंग में हेल्प करेगा ध्यान करें और अपने आप को स्वस्थ बनाएं बहुत बहुत धन्यवाद सर आपने जो जानकारी दी मुझे लगता है कि इससे अलका जी की जो समस्या है वो काफ़ी हद तक आसान हुई होगी अलका जी आपको करना क्या है अपने स्प्लीन ऑर्गन पे काम करना है जिससे कि आप और आपका बच्चा दोनों जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए सर इसी के साथ अब बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की ओर अगला सवाल है अनिता सिंह जी का इनका कहना है कि इनको आ,

छः यांग मेरिडियन है सिक्स यांग मेरेडियन सूर्य नाड़ी के मेरिडियन और उसमें अगर यांग ची बढ़ जाए इनकी अगर कमी हो जाए तो फिर सरदर्द या माइग्रेन होता है सरदर्द और माइग्रेन एनर्जी लेवल पे एक ही चीज़ है मेडिकली माइग्रेन ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड टर्म है हेडेक के पेशेंट बहुत कम मिलते हैं और माइग्रेन के पेशेंट ही ज़्यादा मिलते हैं ये एक सरप्राइजिंग बात है माइग्रेन थोड़ा ज़्यादा चार्मिंग वर्ड है तो हर कोई अब माइग्रेन का ही पेशेंट होता है जब मैं एम बी एस कर रहा था तो कभी कुछ कुछ हेडेक के पेशेंट दिखते थे अब कोई हेडेक का पेशेंट मुझे मिलता ही नहीं है जो भी पेशेंट मिलता है वो माइग्रेन का ही मिलता है तो ये भी एक हंसने वाली बात है हमारा मेडिकल सिस्टम जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है चलिए अब जो माइग्रेन है माइग्रेन का एक बड़ा कारण है अपनी लाइफ में जो भी चल रहा है उसको स्ट्रेस की तरह देखना देखिए तो हर एक व्यक्ति के जीवन में कुछ काम होता है कुछ जिम्मेदारी होती हैं कुछ परिस्थितियां होती हैं अगर हम ये मानते हैं कि मेरी परिस्थितियां ठीक नहीं हैं अगर हम, हम ये मानते हैं कि मेरे ऊपर ज़िम्मेदारी अधिक है अगर हम ये मानते हैं मेरा लाइफ ठीक नहीं चल रहा है तो ये शरीर में अलग अलग रोग बनता है और उसमें से माइग्रेन एक रोग है तो आपको अपने लाइफ में यह सीखना है कि जीवन में जो भी हो रहा है वो अच्छा हो रहा है ऐसा बोलना है तो ये भगवान कभी किसी को ज़्यादा नहीं देता कभी किसी को कम नहीं देता किसी को ज़्यादा काम नहीं देता किसी को कम काम नहीं देता हम उसको ठीक नहीं देख रहे हैं तो प्रार्थना करें कि मैं जीवन में सही दृष्टिकोण विकसित कर सकूं जीवन देखने का तरीका मेरा सही हो गीता सार आपने सुना होगा जो हुआ अच्छा हुआ जो हो रहा है अच्छा हो रहा है जो होगा अच्छा होगा अगर ये आपके जीवन का मूल मंत्र बन जाए आपका माइग्रेन यू ही ठीक हो जाएगा हमको यह बात समझ लेनी है मान लेनी है जो हो रहा है अच्छा हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है मैं आपको एक्सर पॉइंट भी, भी बताऊंगा यांग ची एक्सेस है तो हमें इन ची को बढ़ाना है और इन ची के लिए मैं, हमारे हाथ पर पीसी सिक्स में अंदर रख ले आप पीसी सिक्स तीन अंगुल के डिस्टेंस पे पीसी एक्यूप्रेशर पॉइंट है चौड़ाई से सेंटर इस पीसी एक्यूप्रेशर पॉइंट को दोनों हाथों में आपको मसाज करना है और अफर्मेशन बोलना है अफर्मेशन, सकारात्मकता के लिए मैं शांत रहती हूँ मैं सकारात्मक रहती हूँ जीवन में सकारात्मक नजरिया है मेरा सकारात्मक पहलू को मैं देखती हूँ जीवन में जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है अपने पी सी सिक्स पॉइंट को दबाते हुए आपको ये अफर्मेशन करना चाहिए अफर्मेशन लुई है दिन में पाँच सौ बार करती थी हम पचास बार तो करें सौ बार तो करें अफर्मेशन जो अफर्मेशन करते भी हैं ना वो बहुत कम देर के लिए करते हैं एक तो अफर्मेशन प्रिसाइज होना चाहिए यहाँ पर रिलैक्सेशन इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे स्वीकार भाव इम्पॉर्टेंट है जीवन में जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है ये स्वीकार अगर हम कर लें तो फिर हम बिगर पिक्चर हमको समझ में आने लग जाएगा कि किस प्रकार से मेरी जर्नी में हेल्प कर रहा है तो स्वीकार भाव बढ़ाएं एक्यूप्रेशर पॉइंट पर काम करते हुए और आप थोड़ा योग निद्रा भी करें योग निद्रा भी आपके लिए बहुत अच्छा है योग निद्रा करने से भी हमारे शरीर में इंची बढ़ती है जब हम लेटते हैं रिलैक्स होते हैं पृथ्वी से जुड़ते हैं तो पृथ्वी की ऊर्जा हमारे शरीर में ज़्यादा आती है पृथ्वी की ऊर्जा बढ़ेगी तो माइग्रेन नहीं होगा इन सभी का प्रयोग करते हुए आप माइग्रेन को ठीक कर सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद सर आपने जो जानकारी दी क्योंकि अभी जैसे कि आपने बताया कि अभी लोग इतना ज़्यादा सर दर्द कोई नहीं बोलता सभी को प्रॉब्लम जो होती है माइग्रेन हाँ डॉक्टर ही डॉक्टर ही ऐसा है। बोलते हैं यही दिक्कत है हमारा मेडिकल सिस्टम में बीमारियों को बड़ा करने की एक परिवृति चल पड़ी है जितनी बीमारियाँ बड़ी होंगी जितना लोग डरेंगे उतना मेडिकल सिस्टम में मेडिसिन का कंजम्पशन बढ़ेगा यह एक बहुत गलत ट्रेंड चल पड़ा है और इसको हमें समझने की और बदलने की जरूरत है और हम क्या कर सकते हैं इसके लिए हम आध्यात्म से जुड़ सकते हैं और अपनी ऊर्जा पर काम कर सकते हैं बिल्कुल। सर बहुत बहुत धन्यवाद इस सवाल के जवाब के लिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की और अगला सवाल है सरिता जेठवानी जी का इनका कहना है कि इनके ब्रेन मसल जो है वो पेनफुल हैं और उसकी वजह से इनको नींद भी पूरी तरह से नहीं आती है और उठने के बाद फ्रेश भी नहीं फील होता तो ये आपसे इसके बारे में हेल्प चाहती हैं और सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी सर ये जो ब्रेन मसल पेनफुल की जो प्रॉब्लम है इसको आप किस तरह से देखते हैं देखिए ये सवाल भी एक थोड़ा विचित्र तरह का सवाल है देखिए हमारा ब्रेन ना हमारे हेड के अंदर एक पार्ट है एक ऑर्गन है ब्रेन कोई ऊपर में तो है नहीं है ना तो ब्रेन का मसल को तो हम फील कर नहीं सकते क्योंकि ब्रेन अंदर में है ऊपर तो फील होता है शरीर सिर हेड तो ब्रेन मसल में पेन है मतलब मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि सिर में दर्द होता है या सिर में कोई तकलीफ है ब्रेन के मसल जो है आप ब्रेन को टच कर ही नहीं सकते आप सिर को टच कर सकते हैं आप ब्रेन को टच नहीं कर सकते तो ये सवाल अपने आप में ठीक नहीं है देखिए आप कुछ जो होता है आप सामान्य बोलचाल की भाषा का कर यूज करेंगे ना तो सवाल सही आएगा अब ब्रेन तो आपने डॉक्टर से सुना अब डॉक्टर की भाषा को आप अपनी भाषा में मिक्स कर रहे हैं तो चीज़ें गड़बड़ हो जा रही हैं है ना चलिए मैं आपको रिलैक्सेशन के, के लिए बता देता हूँ योग निद्रा करना आपको हेल्प करेगा चाहे ब्रेन की प्रॉब्लम हो चाहे हेड की प्रॉब्लम हो योग निद्रा करने से आप रिलैक्स होंगे योग निद्रा में हम लेट के शरीर के एक एक हिस्से को रिलैक्स करते हैं तो जब शरीर रिलैक्स होता है तो तनाव गायब हो जाता है इंची यांगची दोनों संतुलित होने लगाती है हाँ इंची बढ़ती है यांगची कम होती है वो थोड़ी सी एक बात है पृथ्वी प्राण बढ़ता है और सूर्य प्राण कम होता है तो आपको योग करना चाहिए और ब्रेन जो है हेड जो है वो हमारे हाथों के टिप्स पे जो उंगलियां हैं उसके टिप्स पे होती हैं तो अपने दसों हाथों की दसों हाथ की दस उंगलियां के टिप्स को आपको मसाज करना चाहिए आप आराम से एक हाथ से दूसरे हाथ की उंगलियों को दस दस बार दबाएं। दिन में दो बार तीन बार आप ऐसा कर सकते हैं और आप यहाँ पर काला रंग लगा सकते हैं जो ब्लैक कलर है वो लगाने से आपका जो सिर है वो थोड़ा रिलैक्स रहेगा दसों उंगलियों के टिप्स पर आप कलर लगाएं और रिलैक्स रहना सीखें साथ ही साथ आपको अनुलोम विलोम परणायाम भी हेल्प करेगा योग के अंदर अनुलोम विलोम परिणायाम होता है जिसमें हम अल्टरनेट नॉस्टल से सांस लेते हैं और फिर छोड़ते हैं तो इससे हमारी इड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी संतुलित होती है इरा नाड़ी पिंगला नाड़ी संतुलित हो जाए तो सिर की ब्रेन की कई सारी समस्याएँ कम होने लगती है तो इस तरह से आप काम करें आपको हेल्प होगा धन्यवाद सर इस सवाल के जवाब देने के लिए आशा करती हूँ सरिता जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा इसी के साथ बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर अगला सवाल है शिखा त्यागी जी का इनका कहना है ये कुछ जानना चाहती हैं इन्होंने एक टॉपिक दिया एक बात बत, बोला है कि ऑब्सेशन डिसऑर्डर के बारे में ये जानना चाहती हैं तो ये सबसे पहले मैं भी समझना चाहूंगी आपसे कि ये क्या होता है ऑब्सेशन डिसऑर्डर का क्या इस टर्म को किस तरह से समझ ऑब्सेशन डिसऑर्डर कोई बात अगर दिमाग में बैठ जाए जी। तो उस चीज़ को छोड़ नहीं पाना उस चीज़ के लिए जिद पकड़ लेना उस मांग का उसका दिमाग में घूमते रहना जी। है ना तो यहाँ पर ऑब्सेशन अपने आप में एक हेल्दी तो वर्ड नहीं है हम जो भी काम करना चाहें उस पे हम फोकस नहीं कर पाते हैं तो ऑब्सेशन को कम करने के लिए हमें दो चीज़ करनी है एक तो अपने अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करें योगा करें योग के हर एक चीजें आपको आपकी बॉडी में ग्राउंड करती है देखिए तो ऑब्सेशन जब होता है तो हम बाहर जाते हैं हम बहिर्मुखी बनते हैं हमें अंतर्मुखी बनना है अपने शरीर पर फोकस करना है तो योग आप सीखें और करें योग आपके लिए बहुत अच्छा है हर एक तरह का आसन और प्राणायाम खासकर अनुलोम विलोम प्राणायाम जो भी आसन ठीक लगे वो आप करें अनुलोम विलोम प्राणायाम करें और एक्यूप्रेशर पॉइंट की मैं बात करूं तो दो एक्पेसर पॉइंट एक तो एक्सेसिव थिंकिंग को कम करने के लिए क्योंकि ऑब्सेशन जो है वो भी एक तरह की थिंकिंग है आप जो से ज़्यादा सोच रहे हैं है ना तो एक्सेसिव थिंकिंग को कम करने के लिए हम पी सी सिक्स एक्यूपेशर पॉइंट पे काम करते हैं कलाई में अंदर की तरफ रिस्ट लाइन से तीन अंगुल पर पीसी सिक्स एक्यूपेशर पॉइंट होता है जो अभी हमने माइग्रेन के लिए देखा था यही पॉइंट हमारी जो से ज़्यादा सोचने की प्रवृत्ति को भी कम करता है तो दाहिने हाथ में महिलाओं के केस में दाहिना पी सी सिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आप राइट right हैंड में पी सिक्स को मसाज करें और पी सिक्स को मसाज करते हुए आप अपने भीतर अफर्मेशन करें मैं खुद से प्यार करती हूँ देखिए खुद से प्रेम करना खुद से प्यार करना ये हर एक रोग में फ़ायदा करता है क्योंकि फिर आप अपना प्रॉपर केयर करना सीखते हैं देखिए इस बात को समझिएगा दोस्तों दुनिया में कोई भी, भी बीमारी बड़ी नहीं होती डॉक्टरों के द्वारा तो जो भी कहा जाता है आप उसको बातों को छोड़ दें एलोपैथी का सिस्टम में बीमारियां बड़ी होती हैं लेकिन जब हम आध्यात्मिक सिस्टम को अपनाते हैं नेचुरोपैथिक सिस्टम को अपनाते हैं इनर्जी सिस्टम को अपनाते हैं कोई भी बीमारी बड़ी नहीं है लेकिन हाँ हमको धैर्य रखते हुए किस तरह से अपने ऊपर काम करना है वो सीखना पड़ेगा तो यहाँ पर आपको रिलैक्स रहना सीखना है अपनी थिंकिंग को कम करना है तो पी सी सिक्स एक्यूप्रेशन पॉइंट आपके थिंकिंग को कम कर सकता है और आपको अपने शरीर में ग्राउंडेड रहने के लिए योगा करना है आप अफर्मेशन करें मैं खुद से प्यार करती हूँ मैं जितना जरूरी है उतना ही सोचती हूँ मैं कम सोचती हूँ और कम बोलती हूँ हमारे थिंकिंग हमारी स्पीकिंग दोनों को ऑप्टिमाइज करना प्रिसाइज करना बहुत ज़रूरी है तो एक तो थिंकिंग लेवल पे कम करें और दूसरा हमें जी बी थर्टी फोर और जी बी ट्वेंटी ये एक्यूप्रेशर पॉइंट जी बी ट्वेंटी हमारे सिर के पीछे होता है और जी बी थर्टी फोर हमारे पैर में घुटने के बाहर होता है इसका चित्र आपको दिखाया जा रहा है इसका फोटो खींच कर रखें दोनों एक्यूप्रेशर एक बैंड को सीडेट करना है सीडेट करना यानी कि वहाँ पर लगातार दबाव दिए रहना जनरली एक्यूप्रेशर में मसाज किया जाता है लेकिन यहाँ पर मसाज नहीं करेंगे यहाँ पर आप दबाव दे के रखेंगे एक मिनट तक दबाए रखें आप लगातार दबाए रखेंगे तो वहाँ पर जो पार्टिकुलर चीज़ है देखिए हमारे शरीर में हर जगह पे एक ही तरह की ऊर्जा नहीं है हाथ में अलग तरह की ऊर्जा है पैर में अलग तरह की ऊर्जा है आंखों से हमें देखना है कान से हमें सुनना है तो दोनों जगह पे अलग अलग तरह की ऊर्जा होगी ना हमारे शरीर में हर जगह पे ऊर्जा का जो उसका जो जो उसका नेचर है जो टाइप है टाइप थोड़ा थोड़ा वैरि करता है तो यहाँ पर हमें हमेंट करना है ऑब्सेशन के केस में हमें हमें गोल ब्लैडर मेरेडियन को सीडेट करना है तो गोल ब्लैडर मेडियन को सीडेट करने के लिए लगातार आपको दबाव देना है जीबी ट्वेंटी पर दबाव देना है और जी बी थर्टी फोर जो घुटने के पास है उस पर दबाव देना है दोनों तरफ ये करना है एक मिनट का दबाव दिए रखें ऐसा दिन में तीन बार करें और यहाँ पर आप काला रंग भी लगा सकते हैं जी बी ट्वेंटी पर तो रंग नहीं लगेगा बाल के पीछे है पैर पे जो पॉइंट है वहाँ पर आप काला रंग लगा सकते हैं वो जी बी थर्टी फोर को सीडेट करेगा स्लो डाउन करेगा यांग ची कम होनी चाहिए यांग ची कम होगी तो आप ग्राउंडेड होंगे तो इस तरह से आपको फायदा होगा बहुत बहुत धन्यवाद सर इस सवाल के जवाब के लिए अब बढ़ते हैं आज के आखिरी सवाल की ओर आखिरी सवाल हमें भेजा है प्रतिभा भट्ट जी ने ये जानना चाहती हैं परमानेंट सोल्यूशन इनकी एसिडिटी के लिए तो इस पर थोड़ा व्याख्यान दीजिए देखिए ये सवाल ही अपने आप में सही नहीं है परमानेंट तो कोई चीज आपका भोजन करने का तरीका जैसा है जी। आप किस तरह से खाते हैं किस मनोदशा से खाते हैं उससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम निर्भर करता है अगर आप अपने खाने के तरीके में बदलाव कर देंगे तो चीज़ें बदल जाएंगी परमानेंट सॉल्यूशन हेल्थ के मामले में कभी कोई चीज़ नहीं होती आप अपना लाइफ स्टाइल कैसा रखेंगे वैसा हो सकता है तो यहाँ पर एसिडिटी का कारण जो है वो रिलैक्सेशन का नहीं होना है चाय पीने की आदत जो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट हैं वो भी एक चीज़ों को गड़बड़ करते हैं तो दूध की बनी चाय एसिडिटी के पर्सन को बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए और रिलैक्सेशन रहना करना सीखना है रिलैक्सेशन के लिए हम योग निद्रा का अभ्यास कर सकते हैं योग निद्रा का अभ्यास ना बहुत सारी बीमारियों में बहुत फ़ायदा करता है एसिडिटी के मामले में भी फायदा करेगा और योग निद्रा बैठ कर भी किया जा सकता है और लेट का भी किया जा सकता है योग निद्रा का अभ्यास हम लेट के शरीर के एक, एक एक अंगों को रिलैक्स करते हैं रिलैक्स करना है रिलैक्स रहना सीखना है जीवन में कोई बात आपको परेशान करती है उस चीज़ से अगर आप बच सकते हैं तो उसको अवॉइड करें उससे आप दूर रहें क्योंकि टेंशन लेने से इससे ही एंजाइटी होती है और एसिडिटी होती है एसिडिटी और एंजाइटी एंजाइटी का बहुत नज़दीक का रास्ता है अगर एंजाइटी नहीं होगी तो एसिडिटी नहीं होगी जो भी जिनको भी एसिडिटी हो रही है अगर अपने जीवन में गौर करेंगे तो पाएंगे उनके जीवन में एंजाइटी भी होती है तो एंजाइटी को कम करना है यानी कि इन रिलैक्सेशन रहना सीखना है अगर हम रिलैक्स नहीं रहते हैं तो एंजाइटी होती है अगर हम रिलैक्स रहेंगे तो एंजाइटी नहीं हो सकती तो योग निद्रा का अभ्यास करने से फ़ायदा होगा और पी सी सिक्स एक्प्रेशर पॉइंट जो हमारी कलाई में है अंदर की तरफ रिस्ट लाइन से तीन अंगुल के डिस्टेंस पे इस पी सी सिक्स एक्प्रेसर पॉइंट को मसाज करना चाहिए दोनों हाथों में महिलाओं के लिए दाहिना दाहिनी तरफ का पी सिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पी सिक्स को मसाज करें और यहाँ पर दो मिनट के मसाज करने के बाद आप काला रंग लगा लें आपको फ़ोटो दिखाया जा रहा है आप इसको फोटो खींच के रख लें और यहाँ पर मसाज करना है दो मिनट के लिए तीन मिनट के लिए और दिन में पाँच बार करना है अगर आपको ज़्यादा तकलीफ है तो दिन में पाँच बार करना चाहिए अगर कम तकलीफ़ है तो दिन में तीन बार करना चाहिए और यहाँ पे आप ब्लैक कलर लगाएं काला रंग जो है वो पृथ्वी प्राण को बढ़ाता है पी सिक्स पर आप जब काला रंग लगाएंगे तो पृथ्वी प्राण बढ़ने से एंजाइटी और एसिडिटी ठीक होने लग जाएगी जब आपकी एसिडिटी ठीक हो जाती है तो भी आपको इस पॉइंट पर काम करते रहना चाहिए तो भी योगदान करते रहना चाहिए मेरे पास बहुत सारे मरीज आते हैं और बहुत बार ऐसा होता है कि उनको उनको जब एक्यूप्रेशर बताया गया उनको जब एफर्मेशन बताया गया वो करते हैं फायदा हो जाता है दो दिन किया चार दिन किया और उन्होंने फिर छोड़ दिया आप जब छोड़ देंगे तो फिर से समस्या आ जाएगी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है लाइफ एक बाईसाइकिल की तरह है हमें रेगुलर पैडल मारते रहना है और रेगुलर फिर हमारी साइकिल चलती रहेगी आपको रेगुलर अपना ध्यान रखना है रेगुलर रिलैक्स रहना सीखना है आपके भीतर कोई एंजाइटी आएगी कोई परेशानी आएगी मानसिक रूप से तो एसिडिटी हो जाएगी अपने सोने के रूटीन को डिस्टर्ब ना करें हमारा सोना भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है हम रात में देर सोते हैं सुबह सूर्योदय के बाद भी जगे सोए रहते हैं अगर हम जो प्रकृति का जो नेचुरल साइकिल है रात सोने के लिए है और दिन जगने के लिए है अगर हम दिन में भी सोए रहेंगे रात में देर से सोएंगे तो हमारी बॉडी का इंटरनल सिस्टम जो है वो कन्फ्यूज हो जाता है जब कन्फ्यूज हो जाएगा तो अलग अलग समस्याएं होंगी एसिडिटी होगी रात में नौ बजे के आसपास सोने की आदत तो बनाएं ज़्यादा देर तक रात में ना जागें अपना सोने का रूटीन ठीक रखें योग निद्रा का अभ्यास करें पीसीसिक्स एक्यूप्रेशर का मसाज करें रिलैक्सेशन का फॉर्मेशन करें और मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट चाय इनका सेवन बंद करें जब ये सभी जब आप करेंगे तो आपकी से ठीक हो जाएगी सर जैसा कि आपने बताया कि मिल्क प्रोडक्ट से हमें दूर, दूर रहना है तो क्या कई बार बोला जाता है डॉक्टर्स बोलते हैं कि आप छाछ कंज्यूम कर सकते हो आप दही ले सकते हो तो क्या ये चीज़ें ले सकते हैं हाँ ये चीज़ें ले सकते हैं देखिए दूध का जो नेचर है और जो दही और छाछ का नेचर है वो अलग अलग है दूध हमारे भीतर हमारी बॉडी में हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर देता है दूध में ग्रोथ हार्मोन काफ़ी ज़्यादा होते हैं जो जो जिस भी जानवर का दूध है उस बच्चे उस जानवर की अगर आप बायोलॉजी पढ़ेंगे तो जानवर बहुत छोटा पैदा होता है उसका वेट बहुत कम होता है और ये बहुत तेज़ी से वो ग्रो करता है हमारा शरीर उस अनुपात में ग्रो नहीं करता हाँ छोटे बच्चे में जब हम जब हम जन्म लेते हैं तो हमारा वज़न भी छः महीने में दोगुना हो जाता है पाँच महीने से छः महीने में हमारा वजन भी दोगुना हो जाता है इसीलिए लिए माँ के दूध की ज़रूरत होती है माँ का दूध सबसे पौष्टिक आहार माना जाता है तो हमें दूध चाहिए लेकिन अपनी माँ का चाहिए और वो भी तब जब हम छोटे होते हैं तो अब एडल्ट हो जाने पर हमें दूध की जरूरत नहीं है और वो भी दूसरे जानवर के दूध की जरूरत बिल्कुल नहीं है तो अब यहाँ पर हम अगर अपने शरीर में जो हमारे लिए नहीं बना है अब गाय का दूध गाय के बच्चे के लिए बना है भैंस भैंस का दूध के के बच्चे के लिए बना है अब हम हम दूसरे दूसरे का दूसरे के के प्राणी लिए जो बना है अगर हम वो अपने शरीर में डालेंगे तो फिर शरीर तो हमारा गड़बड़ होगा अगर पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डाला जाए या डीजल गाड़ी में पेट्रोल डाला जाए तो फिर तो गड़बड़ होगी सर लेकिन दही जो है वो भी मिल्क से ही बनता हाँ। है तो दोनों में इस तरह का अंतर कैसे देखिए दही में क्या होता है ना कि लैक्टोबेसिलस और दूसरे बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारी हमारे गट में हमारे शरीर में जो हमारे जितने सेल्स हैं हमारे शरीर में फोर्टी ट्रिलियन सेल्स होते हैं और उस फोर्टी ट्रिलियन सेल्स में लगभग दस परसेंट सेल्स हमारे अपने हैं और नाइन्टी परसेंट सेल्स बैक्टीरियाज हैं ये बहुत चौंकाने वाली बात है मतलब हमारे शरीर में हमारे अपने से ज़्यादा बैक्टीरियाज ही होते हैं तो इन बैक्टीरियाज़ का केयर करना भी बहुत जरूरी है तो दही में छाछ में जो लैक्टोबेसलस होता है प्रोबायोटिक बोलते हैं मेडिकली वो हमारे गट के बैक्टीरियाज़ के लिए बहुत अच्छा होता है तो इसलिए वो हम ले सकते हैं दही के अलावा जो मिलट्स लिया जाता है मिलट्स में फाइबर होता है जिस भी खाने की चीज़ों में फाइबर्स अधिक होता है सब्जियों हो में भी फाइबर्स होते हैं बीन्स वगैरह में तो मिलेट्स को अगर हम लेते हैं तो उनका जो फाइबर होता है वो भी हमारे बैक्टीरियाज़ को बहुत हेल्प करेगा और अगर हम मिलेट्स को फर्मेंट कर लेते हैं फिर तो उसमें और भी एक्टिव बैक्टीरियाज़ बढ़ जाएंगी तो फर्मेंटेशन वाले प्रोडक्ट लेने से मिलेट्स लेने से फाइबर वाली चीज़ों लेने से या दही और छाछ लेने से हमारे माइक्रोबायोम हेल्दी रह सकते हैं और वो हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं तो दही और छाछ का हिसाब किताब अलग है वो लिया जा सकता है दही और छाछ खासकर घर का बना हुआ अब बाहर की दही अवॉइड करें लेकिन घर की अगर जमी हुई दही है और फिर उससे बनाया हुआ छाछ है तो वो आप बेफिक्र होकर ले सकते हैं दूध दूध से बने प्रोडक्ट दूध से बनी मिठाइयाँ को अवॉइड करें उसको कम से कम लें जितना कम लेंगे उतना आप स्वस्थ रहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद सर इस सवाल के भी जवाब के लिए क्योंकि मुझे लगता है कि एसिडिटी की प्रॉब्लम मोस्टली अभी सभी लोगों को फेस हो फेस करनी पड़ रही है और इस सवाल के जवाब से मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लोगों को हेल्प हुई होगी सर इसी के साथ आज के सवालों की श्रृंखला समाप्त होती है लेकिन आपसे मैं जानना चाहूँगी टिप हमारे दर्शकों के लिए जो हम मोस्टली हर एपिसोड के लास्ट में आपसे जानते हैं कि आप लास्ट में क्या टिप देना चाहेंगे जिससे कि हमारे जो दर्शक हैं एक हेल्दी लाइफ को फॉलो करें देखिए हमें अध्यात्म में यह बात समझनी चाहिए कि हम आयने में जैसा हम अपने आप को देखते हैं हम उससे कहीं अधिक हैं हम सिर्फ भौतिक शरीर नहीं हैं भौतिक शरीर से अधिक हम ऊर्जा हैं और ऊर्जा से अधिक हम मन हैं और मन से अधिक हम आत्मा हैं चेतना है चेतना को मन को ऊर्जा को अगर आप समझेंगे और इसके लिए साधना ध्यान साधना जरूरी है बिना ध्यान साधना के आप अपने अंदरूनी नेचर को ऊर्जा को मन को चेतना को नहीं समझ पाएंगे जब आप अपने आप को चेतना के रूप में जान लेंगे अपने मन को समझ लेंगे अपने ऊर्जा को फील करने लगेंगे तो हर रोग से आप खुद भी खुद मुक्त हो सकते हैं सेल्फ फीलिंग हमारा मोटो है पी में हर रोग का आप खुद से इलाज कर सकते हैं लेकिन उसके लिए आपको अपने पुराने सोचने का ढंग बदलना पड़ेगा पुराने सोचने का ढंग क्या है हमने ये मान रखा है कि डॉक्टर भगवान होता है अरे डॉक्टर का डॉक्टर ने पढ़ाई करी है लेकिन भगवान तो आप खुद हैं आपके भीतर है डॉक्टर को हमने जो से ज़्यादा महत्व तो दे रखा है दवाइयों को हमने जो से ज़्यादा महत्व तो दे रखा है दवाइयों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है लाइफ स्टाइल दवाइयों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारा जीवन जीने का तरीका दवाइयों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारा सोचने का तरीका हमारा खाने का तरीका अगर आप यह सब करते हैं तो स्वस्थ रह सकते हैं दवाइयों के बारे में मत सोचें लाइफ स्टाइल के बारे में सोचें अपने माइंड के बारे में सोचें माइंड में पॉजिटिविटी लेकर आए हर तरह की निगेटिविटी को छोड़ना सीखें निगेटिविटी ही बीमारी बनती है ऑल डिजीज आर साइकोसोमेटिक हर बीमारी मन से उपजी हुई है यहाँ तक कि कैंसर भी और अगर मन को ठीक कर लेते हैं तो हर बीमारी का इलाज है यहाँ तक कि कैंसर का भी हमें अपने पुराने सोचने के ढंग को बदलना है कि दवाइयों में इलाज है दवाइयों में इलाज नहीं है इलाज मन में है इलाज ऊर्जा में है इलाज जड़ में है जड़ पर काम करेंगे आप स्वस्थ रहेंगे हमें जड़ पर काम करना सीखना है शरीर को छोड़ना है ऊर्जा पर और मन पर जाना है जड़ पर तो सर हमें जड़ पर काम करना है और इसके लिए मुझे लगता है कि ध्यान से ज्यादा बड़ी चीज और कोई नहीं हो सकते जब हम जड़ पर काम करने की बात कर रहे हैं तो आपसे जानना चाहूंगी कि हमारे जो युवा हैं वो ध्यान से किस तरह से जुड़े क्योंकि युवाओं को ये लगता है कि ध्यान जैसी चीज हमारे लिए नहीं है और उनको ये लगता है कि ध्यान जो है वो सिर्फ बुजुर्गों के लिए है तो एक संक्षिप्त में एक मैसेज आप उन्हें क्या देना चाहेंगे जिससे कि हमारे युवा भी ज्यादा से ज्यादा ध्यान से जुड़े और पत्री सर का जो संदेश है वो जन जन तक पहुंचे देखिए अभी युवा दिवस आने वाला है ना तो जब मैं जुड़ा ध्यान में तब तो भी मैं युवा क्या मैं तो और बालपन में था बचपन में था है ना ये, ये मानसिकता हमें छोड़ने की जरूरत है कि ध्यान जो है वो सिर्फ वो सिर्फ बुढ़ापे के लिए है देखिए हम सभी खुश रहना चाहते हैं सभी स्वस्थ रहना चाहते हैं अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ हमारी अच्छी हो तो उसके लिए तो ध्यान को हम समझेंगे जुड़ेंगे तो बेहतर जिंदगी जिएंगे हेल्थ तो सबको चाहिए ऐसा दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है जिसको स्वास्थ्य नहीं चाहिए है ना युवाओं को भी स्वास्थ्य चाहिए तो लाइफ को बेहतर आप इंजॉय कर पाएंगे अगर आप ध्यान को जुड़ेंगे तो लाइफ को इंजॉय करना सीखना है लाइफ को हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ जिंदगी में थ्रिल चाहिए जिंदगी में फन चाहिए लेकिन फन तो तब आएगा ना जब आप जब आप हेल्दी होंगे हेल्दी होंगे तभी आप हैप्पी होंगे बिना बॉडी के हेल्दी हुए क्या हम हैप्पी रह सकते हैं हम मस्ती करना चाहते हैं युवाओं के रूप में आप मस्ती कर रहे हैं और बीच में आपका पेट दर्द शुरू हो गया क्या मस्ती करेंगे आप तो शरीर हेल्दी हेल्थ को अच्छा रखना तो सबसे बिल्कुल जरूरी बात है और एक बार अगर हमने हेल्थ को इग्नोर किया हेल्थ में कोई गड़बड़ी शुरू हो गई तो जो चीज़ गड़बड़ हो चुकी है उसको ठीक करना ठीक कर लेने के बाद भी जो ओरिजिनल अच्छा वाला है वो क्वालिटी कभी नहीं आता आपने कोई गाड़ी ली उसमें डेंट आ गया आपने उसको पॉलिश करवाया जो नई गाड़ी है वैसा तो नहीं हो पाएगा है ना हेल्थ को ख़राब करके फिर ठीक करने से अच्छा है कि हम हेल्थ को मेंटेन करें तो युवाओं को अपने हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए तभी लाइफ को आप इंजॉय कर पाएंगे और उसके लिए ध्यान को अपनाना है और ध्यान सभी लोग कर सकते हैं स्वामी विवेकानंद के लिए युवा दिवस है कितने कम एज में उन्होंने ध्यान शुरू किया इनफैक्ट हम जो भी महापुरुष देखेंगे ना महापुरुषों की अगर हम बायोग्राफी पढ़ेंगे तो ज़्यादातर महान लोग जो हुए हैं उन्होंने अपने जीवन में साधना को अपनाया है साधना से ही हम वास्तव में जीवन में महान बनते हैं तो ध्यान सबके लिए है युवाओं के लिए भी है बहुत बहुत धन्यवाद सर आप मुझे आपने जिस तरह से व्याख्यान दिया मुझे लगता है कि हमारे युवा इसको सुनेंगे और अपने जीवन में आत्मसात करेंगे जिससे कि वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कर पाए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका इतने अपने इतने कीमती समय में से आपने कुछ समय हमें दिया जिससे लोगों का उत्थान हो सके और उनकी हेल्थ प्रॉब्लम ठीक हो सके बहुत बहुत धन्यवाद सर धन्यवाद तो दर्शकों आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही अब वक्त हो चला है आपसे आज्ञा लेने का लेकिन फिर होगी आपसे मुलाकात डॉक्टर से पूछो के अगले एपिसोड में तब के लिए भेजते रहिए अपने सवाल और पूरी डिटेल्स के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात अगले एपिसोड में तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा नमस्कार